ये है मिस्टर योगेश शिंदे। नमस्ते। और इन्होंने 1 मिलियन टन प्लास्टिक सेव किया है बाय मेकिंग बैम्बू प्रोडक्ट्स। बैम्बू एक ऐसा ग्रास जिसे मिरेकल ग्रास भी कहा जाता है क्योंकि इसके बहुत सारे यूजेस एंड बेनिफिट्स हैं। बैम्बू कई जगह प्लास्टिक को भी रिप्लेस कर रहा है। पर आज हम एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में बात करेंगे जिन्होंने प्लास्टिक को बैम्बू प्रोडक्ट से रिप्लेस किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे शेयर करिएगा, बिकॉज आपका हर शेयर एनवायरमेंट अवेयरनेस में हेल्प करेगा। बीइंग एन आईटी प्रोफेशनल आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो जर्मनी में जब मैं 5 साल के लिए था तो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए काफी अलग था। तब मैंने काफी नोटिस किया कि वहाँ के जितने भी फार्मर्स हैं वो अपने काम से काफी संतुष्ट हैं और वो अपनी लाइफ काफी एंजॉय कर रहे हैं। स्पेशली माई लैंडलॉर्ड, ही इज हैविंग हिज ओन स्टड फार्म, वेरी लैविश हाउस एंड मर्सिडीज। तो मैंने सोचा कि क्या हमारे किसान भाई ये लाइफ डिजर्व नहीं करते। तो योगेश जी ने जर्मनी में अपनी जॉब छोड़ी और फार्मर्स को हेल्प करने के मोटिव से इंडिया वापस आ गए। अभी इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ना मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ना मैं किसी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इंटरनेट की मदद लिए जाए, फेसबुक की मदद ली जाए। योगेश जी ऑलमोस्ट डेली फार्मर्स से मिलने लगे और उनकी प्रॉब्लम समझने लगे। काफी दिनों की रिसर्च के बाद उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि वो बैम्बू से प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो फार्मर्स को भी हेल्प करेगा और एनवायरमेंट को भी सेव करेगा। हमारे किसान जो थे उनको प्रोडक्ट के बारे में पता था, बांस के बारे में पता था, मुझे बस वो लिंक एस्टेब्लिश करनी थी कि कैसे वो बांस को अच्छे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करे, तब जाके हम उसको एक मार्केट में अच्छे रेट में बेच सके। और योगेश जी ने बैम्बू इंडिया के नाम से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर किया और पहला प्रोडक्ट बनाया, ये बैम्बू टूथब्रश। सुनने में शायद एक छोटा सा प्रोडक्ट लगे, बट लेट मी जस्ट टेल यू अ फन फैक्ट। जब हमें टूथब्रश से इंट्रोड्यूस किया गया था, जो भी हमारा पहला टूथब्रश था वो आज भी कहीं पड़ा हुआ लैंडफिल इंक्रीज कर रहा है या ओशंस में मरीन लाइफ को सफर कर रहा है। और फिर हमने बैम्बू टूथब्रश को कंसिडर किया, वी कम अप विद वन मेक इन इंडिया प्रोडक्ट विच कैन रिप्लेस प्लास्टिक टूथब्रश ड्रास्टिकली। ऑल्दो मार्केट में काफी बैम्बू टूथब्रश ऑलरेडी अवेलेबल है, बट योगेश जी का फार्मर्स को हेल्प करने का जो मोटिव है वो एकदम यूनिक है। हम जब बैम्बू टूथब्रश बनाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने फार्मर्स को उसका बेनिफिट मिले, ताकि हमारे इनकम का एक मेजर पोर्शन हो डायरेक्टली फार्मर्स के अकाउंट में जा सके, और इसमें हम आपकी सहायता की एक उम्मीद करते हैं। योगेश जी अपने इस स्टार्टअप से ज्यादा फार्मर्स की हेल्प करना चाहते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट हम बैम्बू इंडिया से खरीदेंगे वो योगेश जी को और फार्मर्स से जुड़ने में हेल्प करेगा। और जो काम हमने 5 फार्मर्स के साथ शुरू किया था, आज वो जाके 2000+ फार्मर के साथ एक काफिला बन चुका है, और जहां हम एक हफ्ते में 100 ब्रश बेचने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे थे, आज हम जाके 50,000 टूथब्रश पर डे का प्रोडक्शन बना रहे हैं। और अब टूथब्रश के साथ साथ बैम्बू इंडिया ईयरबड्स, स्पीकर्स, स्ट्रॉज, ट्रेवल किट और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बैम्बू से बना रहे हैं। तो अगर आपको बैम्बू के कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने हैं तो आप इस वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। अब तक जितने भी बैम्बू इंडिया की जर्नी है या फिर मेरी जर्नी है, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर किसी का है तो वो डेफिनेटली मेरी वाइफ अश्विनी का है। योगेश जब इस प्रोजेक्ट के बारे में रिसर्च कर रहा था, मैंने सोचा मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन अगर हो सकता है तो मैं डेफिनेटली दे दूंगी उसको। तो इसी तरह मैंने उसको बोल दिया, मैं घर की देखभाल करती हूँ, आप प्रोजेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करें। फेल्योर का डर तो सबको होता है, मुझे भी है, लेकिन हम उससे पीछे हटने वाले नहीं है, बिकॉज वी लव अवर वर्क एंड वी रियली वॉन्ट टू मेक दिस हैपन, बिकॉज दिस इज नॉट फॉर द इनकम बट फॉर द आउटकम। योगेश जी की स्टोरी हम सबके लिए बहुत इंस्पायरिंग है, जो स्टार्ट करना चाहते हैं, चेंज लाना चाहते हैं, बट फेलियर के डर से नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको भी ये स्टोरी इंस्पायरिंग लगी तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिएगा, सो दैट ऑल लोग योगेश जी की स्टोरी से इंस्पायर हों और एनवायरमेंट पे कुछ पॉजिटिव चेंज ला पाएं। इट्स टाइम टू थिंक बियॉन्ड अवर फेलियर्स, इट्स टाइम टू थिंक अबाउट सक्सेस। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वेडनेसडे।